अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ हाँ सर जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ हाँ सर ठीक है सर, घर में सब ठीक है। बिल्कुल सब। जी। तो सर जी वो जजमेंट तो आ ही गया है। जजमेंट देखिए, हमारा केस इसमें तो सिर्फ ये था कि वहां के जो उड़ीसा के लोगों का ग्रुप डी का मसला था। फिर हाँ 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 ठीक। भी हम इसलिए गए कि हमारे विनोद सक्सेना में हाँ सब ग्रामीण डाकघरों की नौकरी भी मानी गई है, ठीक जी है, हाँ ताकि वो उसे ना काट दे। तो कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ पेंशन के लिए हकदार हैं, हाँ लेकिन ग्रुप डी में 10 साल ही होने चाहिए, बस हाँ ग्रुप डी में सॉल्व मुझे। हाँ ठीक है। इतनी बात समझ लो आप, ठीक है। तो जी। पेंशन के हक माना और उसने कहा अगर 10 में कुछ कम भी है हाँ तब भी रियायत करेगी, केंद्र सरकार को रियायत करना चाहिए। हाँ हमारे पास तो सेक्शन 88 के अलावा कोई सेक्शन है नहीं जिसमें हम रियायत करें, ठीक जी है। जी जी ये करके केंद्र सरकार को उन्होंने हिदायत दे दी जी जी है। जी तो हाँ ठीक ही बोलो। पेंशन आपका मूल मौलिक अधिकार बन गया, हाँ जी डीडीएस को भी पेंशन मिलेगी, ग्रुप डी को भी मिलेगी, समझ गए, दोनों दोनों को। को मिलेगी। जी। और इस पे एक नजीर ऐसी बन गई, लेकिन उसमें उसने क्या किया कि उसको प्रमोशन पोस्ट नहीं माना। अच्छा। हाँ तो उसको मैं सही कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा, लेकिन ये काम भी वही, हम इसमें पार्टी थोड़ी थी, हमको तो सीनियर वकील रख लिया था जी उड़ीसा के हाँ, आप तो वकीलों ने। सीनियर वकील के अधिवक्ता को उसमें क्या हाँ करते हैं। जी हाँ लेकिन मैंने पूरी बात बता दी, उन्होंने हर जजमेंट उतार भी दिया उसमें। उसमें सर जैसे कई वाले उत्तराखंड का भी दे रखा है, पंजाब का दे रखा, कई दे रहा है वो हाँ सब होगा। हमने दिए हैं, हमने दिए हैं अच्छा उत्तराखंड आपने में दिए जो। सर। हाँ जी। हाँ जब जब वर्क चार्ज वाले को आप पेंशन दोगे तो इन्हें क्यों नहीं दोगे, इनको तो पे स्केल मिल रहा है, ठीक जी है। तो हाँ वो मान ली उन्होंने बात, बात में कोई कमी नहीं है। बात इतनी कर रहे हैं कि हाँ हमारा फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं था, ग्रुप डी के लिए नुकसान हुआ है, ठीक हाँ है। जी। ग्रुप डी की वो 10 ही साल मानना चाहते, कह रहे कानून में इतना ही है। लेकिन आप जब वर्क चार्ज की पिछली नौकरी काउंट कर रहे हो तो इनकी भी करो, थैंक यू करो। क्योंकि ये प्रेशर में चल रहा है आज की गवर्नमेंट के में, आजकल ना सरकार, जी जी ये जी सुप्रीम कोर्ट हमारा प्रेशर में चल रहा, फिर भी मैंने इतना लड़ा के लिया है, आ लिया है। समझे। जी हाँ जी लेकिन पेंशन मिलेगी, ठीक है। अच्छा सर, ये जो हमारा जो ये हाई कोर्ट में चल रहा है, मैं इससे क्या असर पड़ेगा वहां पे। इससे पॉजिटिव असर ये पड़ेगा कि वो कह रहे हैं इन्हें पेंशन का हक ही नहीं है, हाँ वो तो ये कह रहे हैं। ठीक है। हाँ वो कह रहे हैं इनका दूसरा रूल है ग्रामीण डाक सेवक रूल, वो कंडन रूल। 2011। हाँ हाँ और ये सीसीएस रूल्स में नहीं आते, हाँ, समझे। सिक्स। हाँ जी लेकिन मैंने सीसीएस रूल्स लागू करके आप बच गए उससे, ठीक हाँ बच गए। है। हाँ जी और उनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी अब 12 तारीख को, मैं कोशिश करूंगा वो खारिज हो जाए, क्योंकि जी जज में उनका कहना ये कि ये तो पेंशन का ना इधर ना उधर, ना ग्रुप डी ना ग्रामीण डाक पेंशन के लिए हकदार ही नहीं है, ठीक हाँ कुछ है। नहीं। जी हाँ हाँ तो उसने 2011 का रूल भी कोट किया है, लिखा था उसमें, 2011 लिखा है। ठीक है। जी। तो उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक। अच्छा तो सर जी, मतलब टोटल मिला के जैसे कि तुम्हारा मेरे मुकदमा अभी चल रहा है, बहस चल रही है, हाँ बहस चल रही है। तुम्हें पेंशन मिल गई थी और सरकार बाद में चैलेंज करने आई है कि ये दूसरे रूल से कवर्ड है, तो हाँ पेंशन इन पे लागू नहीं होती, सीसीएस हाँ केंद्र रूल लागू नहीं होते। मैंने कहा जब सिविल पोस्ट का दर्जा मिल गया है तो वो सब होगा। तो इसमें क्या कि हम अपनी चीज को और सुधार सकते हैं, हाँ सुधारने की जरूरत है। हम ये कर सकते हैं कि ये फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, प्रमोशनल पोस्ट है, तो पिछली भी जुड़ेगी अगली तो रहेगी उसमें। जी अच्छा सर, पेंशन का लेकिन कोई। हाँ एक बात और है, हाँ इसने ये भी कहा कि जिनके ऑर्डर हो चुके हैं उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अच्छा समझ गए। नहीं जैसे जैसे हाँ विनोद सक्सेना का अगर 11 नहीं होते और उसके 8 ही होते तो हाँ हाँ उसका ऑर्डर हमने ले चुका था हाँ हाँ 17/11/2016 को, जी अच्छा ठीक है। नहीं तो वो नहीं डिस्टर्ब होता, मेरी बात समझ गया। जी। हाँ अगर उसका कम भी होता तब भी डिस्टर्ब नहीं होता हाँ वो, डिस्टर्ब नहीं होता, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये बात है। तो लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिन्होंने मुकदमा डाला है या जो डालेगा, हाँ डालेंगे। हाँ मिलेगा उन्हीं, मिलेगा उन्हीं, ठीक है। और बिल्कुल उसमें ये लिख दिया कि जिनके ऑर्डर हो चुके उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हाँ हम उन्होंने कर यानी दिया। उनका मतलब सिर्फ ग्रुप डी से है अभी तक। हाँ अभी तक ग्रुप डी से मतलब उसका उनका। हाँ और उन्होंने आपकी बात भी उतार ली है कि भाई विनोद सक्सेना के केस में ये हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ ये उतार दिया, ताकि जी जीडीएस की बात भी नाकारा, मतलब कोई ये लॉ ना बन जाए कि जी जीडीएस को मिलेगा ही नहीं तनखा वो हाँ पेंशन। जीडीएस की बात आई सर उसमें से। हाँ अच्छा सर, इसमें अब जो पेंशन का रखा है, मतलब जीडीएस को क्या पेंशन मिलेगी।
वही भाई 5 बजे 8 जो है, अच्छा 5 बजे 8 हाँ वही वाली ना, जब तक के आपकी, जब तक के आपकी समान वेतन तय ना हो जाए, हाँ, और जब तक आपकी पूरी नौकरी जुड़ने की बात ना हो जाए, दो बातें रह गई अभी, हाँ नौकरी की, हाँ नौकरी की जी, ठीक है जी, और चल रहे हैं अभी, हाँ 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 अभी चलेगा वो मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन पेंशन जो हम कह रहे थे वो डिफरेंट रूल से कवर्ड है, वो बात को तो कोर्ट ने मान लिया कि भाई नहीं